अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट, और आज हम आपको शौक करवाने जा रहे हैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ शौक। बड़े बड़े फॉर्म देखे होंगे आपने घोड़ों के हवाले से, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में घोड़ों का शौक अपने उरूज पर चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो शौक किया जाता है वो ज़्यादातर घोड़े देसी घोड़े हैं। बहुत से बड़े बड़े फॉर्म, बड़े खूबसूरत और बड़े नफीस किस्म के फॉर्म बने हुए हैं, बड़ी बड़ी अच्छे आला नस्ल के देसी घोड़े आपको वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन आज जिस फार्म पे हम आपको लेके आए हैं, मज़ा आ जाएगा आपको इस फार्म पे। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं टीएम फार्म के, जिन्होंने हमें यहाँ पर वीडियो शूट करने की इजाज़त दी, और स्पेशली जो यहाँ के मैनेजर हैं जनाब रियाज़ अहमद भुट्टू साहब हमारे साथ हैं, और हम इनसे कुछ बातचीत भी करेंगे, घोड़ों के बारे में पूछेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियाज़ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा फार्म, बहुत खूबसूरत जो आपने हॉर्सेस आपके पास हैं और जो डिफरेंट जो बर्ड्स हैं और जो और एनिमल्स आपने रखे हुए हैं, बड़ा मज़ा आया। अभी हम आए हैं आपके पास घोड़ों के इस फॉर्म पर, क्या डिफरेंस है पाकिस्तान के दूसरे फॉर्म्स में
जी, और आपके घोड़ों के इस फार्म में? जनाब आपने बहुत सारे पाकिस्तान में फार्म देखे होंगे, हमारे पास जो घोड़े हैं ना ये सब इम्पोर्ट हुए हैं, सार भारत से ब्रीडें इम्पोर्ट की हैं मुख्तलिफ शहर से। हाँ। ये घोड़ा आपके सामने जो खड़ा है ये स्पेनिश ब्रीड है। अच्छा। ये हॉलैंड से इम्पोर्ट हुआ है। ये हॉलैंड से इम्पोर्ट हुआ, यानी कि यूरोपियन ब्रीड है, स्पेनिश यूरोपियन ब्रीड। अच्छा। और इसकी एक एक चीज़ आपको खूबसूरत मिलेगी, ठीक है। आप इसकी एक टेल से लेकर ना बड़ी मेन से देखेंगे, आपके सामने अभी इसको घोड़े का शावरिंग की जा रही है। ये वो एंडलुसियन ब्रीड जो है स्पेनिश, वो है जी एंडलुसियन स्पेनिश ब्रीड। ठीक हो गया। तो ये इसकी हाइट भी बड़ी शानदार है, बड़ी बड़ा, हाँ जी, सेहत में बड़ा गुथा हुआ घोड़ा है ये। जी बिल्कुल, ये प्योर ब्रीड में है और एक एक चीज आपको इसकी प्योर नजर आएगी, कान से लेकर सुम तक। अच्छा। ठीक है। और ये इसके बच्चे हैं जो वो भी बड़े आला, और मुख्तलिफ ब्रीड से, हमारे तो पाकिस्तान में यहाँ पे ज्यादा देसी ब्रीड है, इसके बच्चे देसी ब्रीड में भी लिए गए हैं, बड़े खूबसूरत बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, देसी ब्रीड के साथ इसको लिया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ज्यादातर आपने घोड़े इम्पोर्ट किए हैं जी, तो क्या आपको देसी घोड़े अच्छे नहीं लगते थे या आप रखना नहीं चाह रहे थे, जो आपने इम्पोर्टेड घोड़ों को ज़्यादा तवज्जो का मरकज क्यों बना रहा है आपका टीएम फार्म के स्पेशली? जी हमारे बॉस की जो पसंद है ना वो इंटरनेशनल लेवल के बहुत माशाल्लाह, वो पूरा दुनिया घूमते हैं और वो अपने उनका जो लेवल है ना वो देखते हैं, जो बाहर किसी भी ममालक में जाते हैं तो उनको जो अच्छी ब्रीड मिलती है, खूबसूरत मिलती है, वो वहाँ से इम्पोर्ट करवा लेते, जो उन्हें अच्छा लग गया वो जो उनको अच्छा लगता है। सही होगा। तो जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो तो हमारे यहाँ पे हैं माशाल्लाह, हमारे पास पाकिस्तानी भी घोड़े हैं। मैंने सुना जुल्ले सियाल आपके पास है, मेन जुल्ले सियाल जो है? जी मेन जुल्ले सियाल जो घोड़ा है वो हमारे पास है। अच्छा, वो भी जरा हमें आज जरूर दिखाइएगा जी, आपको फ्रीजियन भी है आपके पास? जी बिल्कुल। चैंपियन में जो मैंने आपको फॉलो भी करता हूँ टीएम फार्म को, तो जरूर इनकी जो चैनल है टीएम फार्म का उसको जरूर फॉलो किया करें, ताकि आप लोग पाकिस्तान में इंटरनेशनल फार्म है ये टीएम फार्म, तो इनके जो इंटरनेशनल ब्रीड्स के घोड़े हैं और चैंपियन घोड़ा मेरा ख्याल अलालंसो आपके पास है, अरेबिक घोड़ा है वो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, आपने मेरे ख्याल में मेरी वीडियो सारी देखी, मैंने सारी देखी, फ्रीजियन भी देखे हैं, मैंने जुल्ले सियाल भी देखे, सारे देखे। अच्छा, अभी हमारे पास एक घोड़ा खड़ा, हम सिर्फ एक से डेढ़ मिनट इसके पास लगाएंगे, क्या हाथ लगा सकते हैं उसको? जी जी जी, आप जैसे दिल। अच्छा, अब ये घोड़ा जो है जी जी, ये हमारे देसी घोड़ों से जरा डिफरेंट इसलिए कि एक तो इसका साइज, इसकी हाइट, इसकी गर्दन आगाज जो है इसका जी जी, और इसके जो मतलब इसके जो पार्ट्स हैं सारे आप देखें तो मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, हेल्दी है, हाइट बड़ी खूबसूरत है बिल्कुल। तो क्या इनका जो बर्ताव है वो भी हमारे घोड़ों से अलग है? ये ऐसी ब्रीड है सर, जो स्पेनिश ब्रीड है ना, ये बाहर के ममालक में आजकल ये सर्कस में इस्तेमाल होती है। अच्छा। और इसमें सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। सही। और ये जो घोड़ा आपके सामने खड़ा है ये 10 तरह के मुख्तलिफ स्टाइल में ये चलता है। अच्छा, चाले जिनको हम कहते हैं, जो इसकी चाल है। हाँ। 10 तरह की इसकी चाल है। सही। ये सवार को खुद बैठाता भी है नीचे बैठकर। अच्छा माशाल्लाह। और खड़ा भी होता है और इसकी चाल बड़ी खूबसूरत है, सलाम करता है मुख्तलिफ। अच्छा, फ्रेंडली घोड़ा है बड़ा। बहुत फ्रेंडली, यानी कि खूबसूरत भी और ट्रेन भी, ट्रेंड भी है, दोनों चीजें। क्या इसको अभी वो जब तक लगेगा नहीं कंडियाला वगैरह नहीं डालेंगे? कंडियाला उसके बगैर भी इसको तो नहीं? नहीं, उसके अलावा तो वैसे हम चला लेते हैं, पर इस वक्त तो आपके सामने इसको अभी नहाया है अभी तो नहीं। हाँ। करेंगे। तो क्या आपको ज्यादा चार्म किन घोड़ों में, आपका मतलब एक मैनेजर है आप यहाँ पर, हर घोड़े को रोज देखते हैं, ज्यादा आपकी पसंद का घोड़ा कौन सा? सर जी मुझे तो हर घोड़े से मोहब्बत है, मुझे फैन होना कि यार क्या बात, मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों पे सवारी की, बिल्कुल घोड़ों पे जंगें लड़ी, घोड़े पाले, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। मेरे तो ये एक एक लूम है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मेरे बिल्कुल सही बात है, आपके अंबिया की सवारी है, बिल्कुल अंबिया की सवारी। सलमान का पहला लश्कर जो है वो 8,000 घोड़ों का गालिबन मेरा ख्याल है, मैंने
पड़ा था एक मुझे जगह। बड़ी मोहब्बत है जी घोड़ों से, हर घोड़ा ही मेरे लिए बहुत आला है। बिल्कुल सही हो गया। और हमारे घोड़े माशाल्लाह आला लांसों का जैसे आपने जिक्र किया, वो भी आपको दिखाते हैं, उसके बारे में मेरे ख्याल में उसी वीडियो में बात करूँ मैं। बिल्कुल सही है। तो अभी जो ये घोड़ा है इसके बारे में सिर्फ इतना बताएं कि क्या ये प्योर ब्रीड भी आपके पास मुकम्मल तौर पे है कि या सिर्फ प्योर में ये एक ही है? नहीं, प्योर ब्रीड है, इसके साथ मेर है, वो भी इसका बच्चा भी है। अच्छा, जो भैंस से हमने ये जोड़ा इम्पोर्ट करवाया था, बच्चा यहाँ हुआ? जी बच्चा यहाँ पे हुआ। अच्छा अच्छा, रखने में कोई मसला हुआ क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं? जी बिल्कुल, रखने में यहाँ पे हम इनको रिक्वायरमेंट वो ही दिया है जो बाहर के ममालिक में है। सही, हमने मकम्बल हमारा स्टेबल है, जो इनका बेड होता है 24 घंटे लगा होता है, हमारा स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी कर रहा होता है, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हम यहाँ पे 34 से ऊपर नहीं जाने देते। अच्छा, सर्दी गर्मी हमारे हमने चिलर लगाए हुए हैं वो इनके लिए है ना? इनके लिए। लेकिन जो इनके बच्चे यहाँ पर बॉर्न हुआ है, जो बच्चा, उनको हमने जस्ट किया अपने मॉल के साथ, हो गया पाकिस्तानी बेहतरीन मॉल के साथ जस्ट। अच्छा, मतलब वो अब हम समझ कह सकते हैं कि वो एक पाकिस्तानी घोड़ा अब बन गया? जी बन गया पाकिस्तान में। उसको हमने उसकी 6 माह की एज के बाद आस्ता आस्ता ट्रेनिंग दे दे के इस वक्त वो पाकिस्तान के मॉल में वो खड़ा है एक पंखे के नीचे। बिल्कुल। अच्छा, इसका कोई एक खास पॉइंट ऐसा जो कि बड़ा पॉजिटिव हो घोड़ों के हिसाब से? वो खास पॉइंट ये है जी, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े को थंब लगाया था। जी जी, वो इस हमारे घोड़े में आता है, आप ये देख स्पेनिश सकते हैं। स्पेनिश में ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, ये थंब का निशान, ये खास पॉइंट है जी, हमारे जो टीएम फार्म का स्टेबल के इस घोड़े में है सिर्फ। अच्छा माशाल्लाह, ये चीज क्या बात है। तो इसके बच्चे में नहीं आया आगे? नहीं, बच्चे में नहीं आया। चले, तो अब हम चलते हैं जी एक और घोड़ा इनका, अब कौन सा घोड़ा देखेंगे? अभी आपको दिखाते हैं जी आपका पसंदीदा घोड़ा अललांसो। अललांसो दिखाएं जी, अललांसो देखते हैं जी, अरेबिक घोड़ा, चैंपियन घोड़ा, तो उसकी तरफ चलते हैं जी। नाज़रीन, तो इस वक्त इंटरनेशनल फॉर्म टीएम फॉर्म पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त जो हम घोड़ा दिखा रहे हैं आपको वो भी एक इंटरनेशनल जो शोहरत याफ्ता घोड़ा है, अरबी घोड़ा है अललांसो, और इसके बारे में रियाज अहमद वट्टू साहब जो कि यहाँ के मैनेजर हैं वो बताएंगे थोड़ा कि इस, पहले तो इसकी हिस्ट्री बताएंगे कि क्या हिस्ट्री है इसकी। जी बिल्कुल जी, मैं अर्ज़ करता हूँ इसकी हिस्ट्री जी। इसका नाम है अललांसो, इसका बाप का नाम है मरवान अल शिकाब, दादा का नाम है गज़ल अल शिकाब, परदादा का नाम है इसके इस वक्त मिस हो रहा है, और ये ख़ुद चैम्पियन है डेनमार्क में। अच्छा, पाकिस्तानी झंडे के तहत। अच्छा, पाकिस्तानी झंडे के साथ? पाकिस्तानी झंडे के तहत मलक साहब के नाम पे, मलक नासर साहब के नाम पे ये इंटरनेशनल माशाल्लाह इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और एक चीज़ और है, हमें हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए इस चीज़ पे, ये हमारा पाकिस्तानी पहला घोड़ा है जो इंटरनेशनल किसी जगह पे जाके इसने पाकिस्तानी झंडा खड़ा किया। क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल सही। और ये चैम्पियन है, इसका बाप चैम्पियन है, इसका दादा चैंपियन है, इसका परदादा चैंपियन, मतलब ये ब्लड लाइन ही चैंपियंस की आ रही है, चैंपियन की आ रही है। बिल्कुल सही हो गया। कलर भी बड़ा खूबसूरत है उसका। हाँ, कलर भी चैंपियन ही है। जी जी। अच्छा, तो ये जो घोड़ा है ये बेसिकली तो ये अरबी ब्रीड है। जी जी जी। पाकिस्तान में मेरा ख्याल इन घोड़ों को ज्यादा मुश्किल नहीं आई होगी आपको सेटल करने में? हाँ जी, ज्यादा मुश्किल नहीं आई, पर हमने इनको जो लेवल है ना हमारा स्टेबल का वो इंटरनेशनल लेवल ही दिया इनको। ठीक है, हमने स्टेबल का जी इंटरनेशनल लेवल ही दिया, पर ये माशाल्लाह ऐसी ब्रीड है, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदरुस्ती दे, कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं आई भी इनको, कोई बुखार हो जाए या कोई इशू आ जाए, परेशानी हो जाए। जी अच्छा, इनके जो डाइट है जी, जो उस पर भी आपका बड़ा फोकस होना चाहिए, वो होता होगा ऑब्वियसली? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, डाइट तो असल चीज़ है, इनकी डाइट हमने बड़ी इनके वजन के मुताबिक होती है। दाना हम वो फीडों पे उन पे नहीं जाते, हम करते हैं ऑर्गेनिक पे। ठीक है, ऑर्गेनिक दाना साफ सुथरा लेते हैं, खुद उसको प्रेस करवाते हैं और इनको डालते हैं। तो वो दाना आप कहाँ से लेते हैं या अपना ही लगाते हो? नहीं, बाहर से मार्केट कुछ हम अपना ही लगाते हैं। हाँ, हमारे अपनी जमीन है, जैसे लुसन है। सही, लुसन हमारा फ्रेश सुबह की कटिंग होके सुबह आता है, शाम की कटिंग होके शाम को आता है। सही हो, वो ग्रीन लुसन हम डालते हैं, वो सबको ही डलेगा, कोई भी ब्रीड हो जी, ठे की सूरत में भी और फ्रेश की सूरत में भी लुसन इनके लिए बेस्ट खुराक है दुनिया की, घोड़े के लिए। ठीक होगा।
दूसरा हम डालते हैं ब्लैक चना डालते हैं, और इसके अलावा गर्मियों में जौ डालते हैं, चोकर डालते हैं, तारा मीरा डालते हैं, वो जो जोधर वगैरह आ गए वो हर चीज़। हाँ जी बिल्कुल सही हो। और मौसम के हिसाब से दूसरा तेल डालते हैं, विटामिन इम्पोर्टेड हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं वो डालते हैं। बिल्कुल सही, इनके प्रॉपर रियासत इसके माशाल्लाह। अब ये आपके जो स्टड का इस फार्म का सबसे सीनियर अरबी घोड़ा मेरा जी 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 जी। तो इसके आपके मैंने देखे हैं कि घोड़े आपके पास काफ़ी अरबी घोड़े हैं, वो सारे इसी की ब्रीड में से ही हैं, इसके ही बच्चे हैं? इसके बच्चे माशाल्लाह हमारे पास हैं जी पाँच। अच्छा पाँच। और पाकिस्तान में इसके बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह हो गए हैं। और एक चीज़ नहीं है जो आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, मैं चाहूँगा एक तो सब दोस्त दुआ करें, और दूसरा मैं चाहूँगा भी आपके चैनल पे या मेरा टीएम फार्म के नाम से चैनल है उस पे मैसेज के ज़रिए भी दोस्त बताएं। हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इस बार नेज़ाबाजी अरेबियन घोड़ों की पाकिस्तान में दिखाएंगे। वाह क्या नई चीज़ होगी। हाँ बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के लिए अरेबियन घोड़ा आज तक नेज़ाबाजी में पाकिस्तान में नहीं भाग। क्या बहुत ज़बरदस्त काम होगा ये। और वो इसका बच्चा होगा? ये खुद होगा। अच्छा। इसके दो बच्चे होंगे, एक हमारे पास मैजिक घोड़ा है बहुत आला किस्म का। तो प्रैक्टिस जारी है आपकी? इंशाल्लाह अभी मौसम बेहतर होता है इस वक्त तो घोड़े हाँ नहीं मतलब आजकल तो जी 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 इंशाल्लाह। वैसे आपकी तैयारी ट्रेनिंग हर चीज़ हुई जी इंशाल्लाह करेंगे जी इंशाल्लाह सारी बिल्कुल वो साथ साथ। अच्छा तो अगर मुझे अलांसो का या इसका बच्चा चाहिए तो मुझे क्या प्रोसीजर अपनाना होगा? इसके बच्चे जी हमारे पास जितनी इम्पोर्टेड ब्रीड है ना उनके बच्चे हमारे सेल होते, हम पहले तो जो भी ब्रीड बाहर से लेते हैं हम उनके बच्चे खुद रखते हैं क्योंकि हम शौक करते हैं। उसके बाद आप तो जैसे मोहब्बत वाले 10 कमरे हैं तो 15 हो जाए तो फिर तो देने तो पड़ जाते होंगे ना? नहीं बिल्कुल सही है। हाँ। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूं सर, इतनी ये महंगी और इतनी आला किस्म की ब्रीड लेके आए हैं तो हम पाकिस्तानी आप जैसे भाइयों को फायदा देते हैं उस चीज़ का। अच्छा ये तो बहुत ब्रीड जरूर देते हैं, उस वो ब्रीड देने में हमारे पाकिस्तान का फायदा है, आप जैसे अच्छे भाइयों का दोस्तों का फायदा है, उनके पास ब्रीड जाएगी ठीक है, वो हम बच्चे देते हैं, बच्चे हमारे वो सेल हो जाते हैं जी माँ के पेट में ही। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है वो माँ के पेट में जब घोड़ियाँ क्रॉस होती हैं वो पहले ही दोस्त मेरे साथ अटैच होते हैं और वो कर लेते हैं बच्चे पहले परचेज कर लेते हैं पहले जो भी आपकी शराइत होंगे उसके मुताबिक जी उसके मुताबिक वो पहले परचेज कर लेते हैं। बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा हमारे पास अब जो है जो अलांसो है जी, इसके अलावा इसका कौन सा बेटा है या इसके और बेटे हैं जो ब्रीड कर रहे हैं या बाकी बच्चे ही हैं अभी? नहीं अभी बच्चे ही हैं। अच्छा ब्रीड अलांसो कर रहा है, ये कवर करवा रहे हैं और मैजिक घोड़ा कवर करवा रहे हैं। अच्छा वो अलग लाइन से है? जी वो अलग लाइन से। अच्छा मैजिक अलग लाइन से है, वो भी अरेबियन? जी वो ब्लैक कलर में बड़ा खूबसूरत घोड़ा है वो भी। अच्छा। अरेबियन। एक इसका बच्चा लाल रंग का भी मैंने देखा था। जी बिल्कुल, इसका नाम उसका नाम शेरू है, वो भी बड़ा खूबसूरत घोड़ा है इंशाल्लाह। अच्छा। इंशाल्लाह अगली दफा फिर हम उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक घोड़ा और है वो हमने दिखाना है, उसके बाद हम जो है रियाज साहब की जान छोड़ेंगे और वो घोड़ा अब आ रहा है हमारे पीछे से, तो रियाज साहब उसके बारे में भी बताएं। थैंक यू, आप इसको ले जाए, डिस्टर्ब हो रहा है बेचारा। ले आओ बेटा। नहीं जी उसके पास ही चलते हैं, बल्कि वो नुमान उस तरफ हाँ इस तरफ ही कर जरा मुँह। यूनिफॉर्म च नहीं आया तू? अरे तू घोड़ा इतने बांधते, इधर आ जा जल्दी, आ जल्दी नुमान एक मिनट पॉज कर। ये एक और घोड़ा है सवेरू घोड़ा, फ्रीजियन इसका नाम है सवेरू। अच्छा फ्रीजियन घोड़ा है ये, इसको रस्सी दे दें जी, ये चाहता जी मुझे रस्सी दे दें। अच्छा ये लो बेटा चल। अच्छा इसका इसकी पसंद है ये? हाँ ये पसंद है, ये कहता रस्सी मेरे मुंह में हो। अच्छा ये फ्रीजियन है जी? हाँ जी ये फ्रीजियन है जी। सही हो गया। तो अच्छा तो ये कहाँ की ब्रीड है और ये यहाँ पे कब से है? ये अमेरिका से इम्पोर्ट हुई है जी। अच्छा ये मलका बरतानिया की जो बकियों में जी जी ये वो ब्रीड। अच्छा वो जो बड़े काले काले खूबसूरत घोड़े खड़े होते हैं कस करके। हाँ ये लग भी वैसे ही रहा माशाल्लाह जी। इसके आप मेन टेल देखें, इसके पाँव पे बाल होते हैं लंबे लंबे बड़े खूबसूरत, और खूबसूरत सब ब्रीडों में खूबसूरत फ्रीजियन ब्रीड है। बिल्कुल ठीक हो गया। इनकी गर्दन पहले से ही बड़ी खूबसूरत बनी हुई और बड़ा बड़ा स्टाइल है इस घोड़े का माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा तो रियाज साहब ये जो घोड़ा है
जी, तो ये भी एक तो यूरोपियन साइड का ही होगा, जैसे इंडोनेशियन पहले आया था वो स्पेनिश घोड़ा था, तो इनको भी क्या जरूरत उसी तरह की जो है मतलब एनवायरनमेंट की? हाँ हाँ जी, ये बिल्कुल जी पसंद करते हैं चिल एसी हो, अच्छा कि हम सुकून कर रहे हो, बेड लगा हो 24 घंटे। अच्छा, ये गर्मी से बहुत घबराते हैं ये घोड़े? जी, ये घोड़े गर्मी से बहुत घबराते हैं। तो फिर पाकिस्तान में इनको रखना कितना आसान है या मुश्किल है, ये लोगों को बताएं जिनके, क्योंकि ख्वाहिश तो होगी ना लोगों की आपके पास आएंगे इसके लिए भी। जी बिल्कुल जी, बहुत सारे दोस्त अटैच करते हैं, पर ये इसको हम तो दे रहे हैं जी रिक्वायरमेंट जो इसका बाहर था, बाहर के ममालक में मकम्बल इसके एसी लगे हुए हैं, बेड लगा होता है, अच्छा इंटरनेशनल लेवल के ऑटोमेटिक पानी वाले टप होते हैं साइड से, ठीक है। अच्छा, और जो इसको बाहर सहूलत थी ना हर चीज की, वो हमने पाकिस्तान में दी। इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? इसकी हाइट हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो स्टिक है ना उसके मुताबिक तो इसकी इस वक्त 67 होगी। 67 जी, तो जो हैंड जो होते हैं जी, इंचेस आप इंचेस में लेते हैं हाइट? इंचेस में तो ये 70 से भी ऊपर चला जाएगा। नहीं, हम इसकी हाइट लेते हैं ना, यहाँ तक लेंगे ना हाइट, ये विदर से लेते हैं। हाँ जी, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? तकरीबन 67 इंच होगी। 67 इंच होगी जी, सही है। तो 67 इंच मेरे ख्याल बहुत बड़ी हाइट है, बहुत बड़ी हाइट। पाकिस्तान में बहुत कम घोड़े होंगे जो 67 तक शायद। जी बिल्कुल, ऐसे किसी के पास कोई घोड़ा हो देसी, नहीं जो इंग्लिश किसी के पास अगर कोई घोड़े हो। जी बिल्कुल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन थोरोबिड का आलमी मियार 64 इंचेस है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड 64 है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में कोई भी 64 कम आ रहा है, 62 63। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो हैंड्स के थ्रू हम जो करते हैं हाइट, वो कितनी इसकी बनेगी तकरीबन? वो हैंड के थ्रू इसकी होगी 16.3। 16.64। हाँ जी, 16। हाँ, 16.64, ठीक है। 3 बज गए, ठीक। 4 इंच का हैंड होता है मुख्तलिफ से दुनिया में पैमाने पैमाइश के राइज, यहाँ हमारी ये बलिश्त होती थी, उधर होती, उधर था हैंड। हाँ, हैंड फिर मुख्तलिफ था, उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया 4 इंच में, ठीक हो गया। तो ये मतलब 4 इंच के साथ ये आपका आ गया 16 हाथ आ गया। जब पढ़े लिखे लोग घोड़ों की बात करेंगे तो आप कहेंगे हाइट जी, मैं कहूँगा 16.3। 16.3 ठीक होगा, 16.4 नहीं होगा, 16 पे फिर 17 हो जाएगा। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, तो इसका जो है कि इनके भी आपके पास प्योर ब्रीड मौजूद है? जी प्योर ब्रीड है। नहीं, ये तो एक तो है ना? जी जी, मौजूद है प्रॉपर मेयर्स वगैरह जी, है फैमिली है, फैमिली है इसकी, मेयर भी है, स्टैलियन भी है, 2 मेयर है हमारे पास, एक एक कोल्ट भी है। जुमे वाले मौली को छेड़ ही लिया। ओरिजिन ये है कि इंडो पाक में पलोंग बैलों पे होती थी। अच्छा, इनका तारुफ करवा दे रियाज भाई। रियाज भाई, पहले आप तारुफ करवाएं, मैं इनको देखता रहता हूं जतियाना साहब को। आपके साथ हमारे बुजुर्ग हैं जी, मुख्तार जटियाना साहब है, जंग से इनका ताल्लुक है जी, हमारे साथ हैं, हमारे बड़े हैं, ठीक है। और घोड़ों में इनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है, घोड़ों के बारे में माशाल्लाह ये बहुत कुछ जानते हैं, और हमने इनसे बड़े ये इनसे बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, तो जटियाना साहब आप बताएं जरा, बात हो रही थी कि इंडो पाक में पलोंग बैलों पर होती थी, वो ख़त्म हो गई, अब पलोंग बैलों के और इस्तेमाल आ गए, देहाती लोग उनको दौड़ाते हैं गोल जी, जी, जी। ये वो उधर हो गया। अब यूरोप में प्लोइंग तो खत्म हो गई, घोड़ों पे होती थी जी, अब इनके मुख्तलिफ यूटिलाइज और आ गए। बिल्कुल सही, इनका जो प्रेजेंट यूटिलाइज है, एक ये घोड़ों में चाल है एबिया जी, जी। अब मैंने पानी एबिया से वो लफ्ज निकला है, घोड़ा जैसे दरिया या गहरे पानी में चल रहा होता है, पांव यूं निकालता है ना, हाँ। सीधा सीधा ऊपर, हाँ, उसको हम एबिया कहते हैं। ये मलका अलजबत की बग्घी में जुड़ते हैं और वो चाल चलते हैं, एबिया चाल, एबिया चाल, ठीक। उसके बाद हमारा जो घोड़ा टीकू है उसको हम पंजाबी में इधर पलट कहते हैं, यू पाँव वो साइड से निकालता, साइड से निकालता है। और अपने वक्त में टीकू की जो इंडोनेशियन ब्रीड है उसका ओरिजिन स्पेन है, और वो यूरोप की सबसे मोतबर ब्रीड थी। वो तो बात हो गई खत्म जी, यूरोप में अब ये काम जिस काम आ रहे हैं वो भी पता चल गया जी। हमारे ये किस काम आ सकते हैं? ये शौक है, मलिक साहब खुद हाइटेड है, हाइटेड घोड़े उनको पसंद है, वो उनको पसंद, ये आगे मतलब सवारी वगैरह, हाँ सवारी, बड़ी खूबसूरत सवारी, बड़ी बड़ी खूबसूरत सवारी करते, फ्रेंडली है, हाँ बहुत फ्रेंडली, मतलब बच्चे वगैरह भी कर सकते हैं। बेसिकली कोई घोड़ा खतरनाक नहीं होता, सही है, आप बनाते हैं उसको, ठीक है, हैबिट्स को खराब करते हैं फिर वो आपको खराब करता है। बिल्कुल सही हो गया। हमारे यहाँ पार से घोड़े आते हैं उनको बड़ी बैड हैबिट्स होती हैं, जो बच्चा यहाँ आता है ना
पैदा होता वो बैड हैबिट नहीं कर सकता, बैड हैबिट नहीं हो सकती बिल्कुल। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं हो सकती? गुड एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका घोड़े के साथ, आपका मालिक का बिहेवियर, मालिक का जी बिल्कुल। और इसके साथ अभी एक अमेरिका के रिसर्च ने मेरा ऑस्ट्रेलियो तो उसने भेजा है कि उसका हार्ट का जो है ना मरकज कोई उनका रिसर्च का, उन्होंने भेजा कि जब आप घोड़े के पास जाते हैं आपके जो हार्ट की है ना पल्पिटेशन वो कोई अजीब हो जाती है जो कि बड़ी खुश आइंद है। हाँ जी, और वो 30 फीट तक जो है ना आपको घोड़ा जो जज कर लेता है, 30 फीट से इंसान को जज कर लेता है बिल्कुल कि हार्ट बीट को कि ये कैसा है, मुझसे डर रहा है कि नहीं डर रहा। वैसे घोड़े के जब वो उसको हम बोलते हैं रकाब, जिसमें पाँव रख के हम ऊपर चढ़ते हैं जी, जब उसमें पाँव रखते हैं और उस पर स्ट्रेस देते हैं तो आपकी जो एबिलिटी है घोड़ा मेजर करके इन 0.00 में बता देता है कि ये आपकी एबिलिटी है बिल्कुल। टीएम फॉर्म इस वक्त स्टैंड कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में, वाई नॉट। हाँ, और हर तरह के जो चैंपियंस हैं मुझे अंदाज़ा हो रहा है, लग रहा है कि आगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरफ से जो बाहर के मुकाबला जात में चैंपियंस होंगे वो टीएम फार्म की तरफ से ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन उसकी प्लानिंग जो है वो आपकी कहाँ चल रही है? अब जैसे अगर आप निजाबाजी की तरफ जाएं तो वो आप कहाँ पर करवाएंगे ट्रेनिंग के लिए, क्या आया कि उसके लिए भी जो है जगह वगैरह आप यहाँ पे बना लिए? हमारे पास इंशाल्लाह हर चीज की तैयारी है, हर चीज की तैयारी है इंशाल्लाह। इसका ओरिजिन तो मलिक साहब खुद हैं जी, बाई बार सब घोड़ों के शौकीन थे, उनके हालात ना रहे ना रखे, जब उनका इक्तदार आया उन्होंने घोड़े रखे बिल्कुल सही। और उसके बाद मोस्टली आप वो काफी कुछ पढ़ गए हैं लेकिन पहले इतने नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको मैं असिस्ट करता हूँ दो नस्लों में, थोरोब्रीड में, देसी में और अरब में, तीन नस्लों का मुझे बड़ा पूरा। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा तो यहाँ पे कोई राइडिंग का भी सिलसिला आप कोई शुरू करना चाह रहे हैं? नहीं, करेंगे राइडिंग नहीं करना चाहते नहीं। अच्छा, हमें अंदर इंडोर का हम सिर्फ अपना शौक करते हैं, अपना शौक करना चाहते हैं। नेजाबाजी में हम चाहते हैं कि अलहदा हमारा कोच हो, अलहदा घोड़े हों और नेजाबाजी को साबित करें कि अरब ज्यादा बेहतर घोड़े हैं नेजाबाजी के लिए उसकी नस्बत। पहले सिस्टम चल रहा है ना, पहले प्योर देसी ब्रीड थी हमारे पास, उसके बाद 60s में बराल कौम एक आए, उनका घोड़ा आया जो मिक्स था, उसने रिकॉर्ड किया और वो 60s से लेकर अब तक वो डोमिनेट कर रहा है नेजाबाजी में। हाँ, बराल बराल। अच्छा, वो डोमिनेट कर रहा है इसलिए कि जो उसमें ब्लड दाखिल हुआ वो देसी से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एंडोरेंस था बिल्कुल सही। अच्छा एक सवाल आ गया दिमाग में, बस वो एक सवाल करते हैं बाद में, लाइट बहुत कम है। अच्छा मतलब एक घोड़ा है देसी घोड़ा जो है उसको रेगुलर 3 से 5 किलोमीटर की वॉक वगैरह लाजमी देनी पड़ती जी, जी। आया कि जो बाकी घोड़े हैं जैसे ये इंग्लिश घोड़े हैं या स्पेनिश घोड़े हैं, इन सबको भी आप इतनी ही वॉक देंगे या इतनी वॉक देंगे? बता रहे हार्स इतना होगा लेकिन स्ट्रेंथ वाइज देसी सबसे कम है। अच्छा, अरब दुनिया का बेस्ट स्ट्रेंथन हार्स है। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जितेना साहब, और स्पेशली रियाज साहब आपके तो हम फैन हैं, बड़े अरसे से आपकी वीडियोस भी देख रहे हैं, स्पेशली टीएम फार्म के हम फैन हैं और टीएम फार्म के घोड़ों के फैन हैं, ये स्टार घोड़े हैं, हम अमूमन इनको देखते रहते हैं और आज हमें किस्मत ने मौका दिया कि हम इनकी जो भी दोस्त देखना चाहे जी मेरा अपना चैनल है टीएम फार्म के नाम पे, अरब घोड़ा है विजिट कर सकते हैं। माफ करना मजहब के लिहाज से मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, इस्लाम भी उसका ममनून है। अच्छा, अरब घोड़े बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। जब एक समझ अलानसो आपने देखा है जी जी, जब अरब अलानसो पे थे तो यूरोपियन पे थे, अरब शाहीन है, शाहबाज है और ये पैसा है। हाँ ये तो है, ये तो बात आपकी सही है। लेकिन नाजिन इसके साथ ही उम्मीद करते हैं दश्त दश्त दरिया भी ने छोड़े हमने, बहर जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो वो वाले घोड़े थे जो दौड़ते थे। क्या बात, दुनिया में एंडोलेंस से ऑस्ट्रेलिया में एक रेस हो रही है 110 किलोमीटर की, ठीक है, जिसमें 5-6 किलोमीटर घोड़सवार को घोड़े से उतर कर हाथ में पकड़ कर साथ दौड़ना होता है। अच्छा वो होगी है जी, उसके बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात दे दूं, हमारे पाकिस्तान वो नहीं है, माशाल्लाह वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में होती है वो और है ये। अच्छा, और है, बहरहाल अच्छी बात है आप करें, गुड न्यूज फॉर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी हमारे मंगोल डर्बी हुई है, 4 दोस्त गए हैं जी। अच्छा, मंगोलिया में रेस हुई है 22 ममालक की, जिसमें हमारे पाकिस्तानी 4 दोस्तों ने, मौजम भट्टी साहब हैं और 3 दोस्त हैं, उन 3 के साथ मेरी मुलाकात है और उन्होंने पाकिस्तान का माशाल्लाह नाम रोशन किया, बहुत जबरदस्त बात, और वहाँ पे वो विन करके आए। क्या बात है, फर्स्ट सेकंड पे पाकिस्तानी है, थर्ड फोर्थ है और पाकिस्तानी टीम फर्स्ट है।
क्या पाकिस्तानी टीम फर्स्ट है और वो 1000 किलोमीटर की रेस थी भी, जैसे हमारे लाहौर से लेके कराची। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मनरो 9 दिन की रेस थी, उसमें 40 घोड़े 1 जवान ने भगाने थे। बहुत जबरदस्त, बहुत लंबी रेस थी और माशाल्लाह पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया। ऑस्ट्रेलिया से कहीं बड़ी थी और तो मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वाली 110 किलोमीटर की उससे कहीं बड़ी थी। बहुत दुआएं उनके लिए। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान के लिए भी दुआएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम इसी तरह घोड़ों के हवाले से टीएम फार्म हमेशा इसी तरह रोशन करता रहे। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को, रियाज अहमद साहब और जतियाना साहब के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। रियाज साहब, ये है जुल्ले सियाल। हाँ जी, ये जुल्ले सियाल वो जुल्ले सियाल है जी जो पाकिस्तान में जुल्ले सियाल का नाम है। इंटरनेशनल लेवल पे और एशिया का सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग देने वाला ये घोड़ा जुल्ले सियाल है। क्या बात जो है? टीएम फार्म पे खड़ा है। क्या बात है। तो ये इस वक्त टीएम फार्म पे इसके भी बच्चे मौजूद हैं कि नहीं? इसके बच्चे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। अच्छा, और पूरे पाकिस्तान के पास ही मौजूद हैं और वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही दोस्तों के पास हैं। बिल्कुल सही जी जी। तो ये असल जुल्ले सियाल ये है जिसके नाम से हर जगह पे जब कोई नुकरा देखते हैं और कोई बताता है कि जुल्ले सियाल वाला, तो ये है वो, ये उसके पीछे। जी बिल्कुल ये है जी। तो मतलब ये एजाज भी टीएम फार्म को हासिल है कि अगर इंटरनेशनल घोड़े मौजूद हैं तो हमारे पास पाकिस्तानी घोड़ा भी अपना मौजूद, और पाकिस्तानी घोड़ा भी मौजूद है जिसका इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम है। इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम, ठीक है। बाहर के ममालिक में भी जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त बैठे हैं ना, वो भी मुझे कॉल करके इसका टाइम लेते हैं। अच्छा, और इसके बच्चे लेते हैं, कवरिंग हम देते हैं। अच्छा, कवरिंग देते हैं आप? जी बिल्कुल जी, कवरिंग देते। बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। ले जी नाज़रीन, इसके आज एक नई चीज़ मैं आपको बता दूं। जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए भी दोस्तों की दुआ चाहूँगा मैं भी। जुल्ले सियाल की पाकिस्तान में पहली मरतबा, पाकिस्तान में आज तक पेडिग्री हमारे पाकिस्तानी घोड़े किसी की नहीं है, जुल्ले सियाल की पेडिग्री इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ तैयार करके दूँ इनके बच्चों की, जो टीएम फार्म के नाम से होगी इंशाल्लाह। टीएम फार्म में जी जुल्ले सियाल की पेडिग्री भी तैयार होगी। और ये खबर आपको दे दी है रियाज साहब ने। तो आज हमने देखे हैं जी 3 से 4 ब्रीड्स हमने देखी हैं, और सारी चैम्पियन ब्रीड्स देखी हैं, इंटरनेशनल ब्रीड्स देखी हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये जो सेशन हमने रियाज साहब के साथ किया बड़ा मुख्तसर है। तो आज की तो ये हमारी तारुफी वीडियो तो हो गई, आइंदा हम आएंगे और डिटेल्ड एक घोड़ों पर मुकम्मल वीडियो करेंगे जिसमें हर किसी के हम 3-3, 4-4 बच्चे भी इनके साथ देखेंगे। हाँ जी, इसके बारे में कोई दोस्त मेरे साथ रब्ता करना चाहे, इसकी पेडिग्री इसके बच्चों की तैयार कराना चाहे जस्टार्ड के बारे में, तो वो मेरा नंबर दे दें। आप नंबर देते हैं, आप नंबर भी बोल दें। 0301-44-82-191 0301-44-82-191 रियाज अहमद साहब का नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं जुल्ले सियाल की कवरिंग के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ टीएम फार्म के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ पर रियाज साहब आपके साथ रोज़ महफ़े गुफ्तगू रहें। इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।